सबसे पहले मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं। सर, मेरा नाम विकास मिश्रा है, मैं वाराणसी के रोहनिया विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूं। सर, चुनावी जीत में हमारी कल्याणकारी योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जन जन तक जो योजनाएं पहुंची हैं, जैसे आयुष्मान या बिजली हो, वो बहुत कल्याणकारी रही हैं। तो सर, मैं बस आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आगामी आपके अनुसार अगला कदम हमारे लिए क्या होना चाहिए? विकास पूछ रहा है तो विकास को तो एक ही जवाब है, हमारा अगला कदम भी विकास। एक तो मैं सबसे पहले वहां उपस्थित सबको बधाई देता हूं कि गांधी 150 निमित्त आप लोगों ने पद यात्रा की, गांव गांव गए, लोगों से मिल रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि पहले दिन चलते समय थकान लगी होगी, लेकिन दूसरे दिन थकान भी चली गई होगी, जोश भर गया होगा, और तीसरा दिन नया उत्साह जुड़ गया होगा। इसका मतलब यह हुआ कि पहले दिन आपको लगता था कि एनर्जी नहीं है, थक गए, लेकिन दूसरे दिन कैसे एनर्जी आई, तीसरे दिन एनर्जी कैसे बढ़ गई। और जब आने वाले दिनों में करोगे तो आप देखोगे कि जनता के प्यार में इतनी बड़ी ताकत होती है, उनके आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है कि आपके भीतर की ऊर्जा में ये अपने आप में एक ऐसी शक्ति भर देते हैं कि आपकी खुद की ऊर्जा आपको चलायमान कर देती है। तो जैसा आपको अनुभव आ रहा है, वैसा ही अनुभव मुझे भी जब जनता जनार्दन के दर्शन करता हूं, कार्यकर्ताओं को दिन रात मेहनत करके देखता हूं, सरकार के मुलाजिम ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, 24 घंटे काम करते जब हम लोगों को देखते हैं, तो फिर हमें भी ऊर्जा मिल जाती है। तो हमारी ऊर्जा का रहस्य आप सब है, देशवासी है, सारे मेहनत करने वाले लोग हैं जी। इसके कारण हमें भी लगता है कुछ करना चाहिए, और आपने देखा होगा पदयात्रा में आपको भी वो ऊर्जा मिली है। मैं फिर से एक बार इस पदयात्रा के कार्यक्रम के लिए बहुत बधाई देता हूं। और ये पदयात्रा का कार्यक्रम सचमुच में जब लोगों के बीच में जाते हैं, बैठते हैं, हमारे मन को एक एक नई दृष्टि मिलती है, नया सोचने का तरीका मिलता है। और इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं। भाई विकास ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। मैं मानता हूं कि हमारी सरकार में ढेर सारी योजना है, लोगों को उनका लाभ बहुत मिला भी है और मिल भी रहा है, लेकिन मेरा मानना यह भी है कि हमें इतने से संतोष नहीं मानना है। पिछले 70 साल में जो मिलना चाहिए था वो हमें अभी अपने ही कार्यकाल में पूरा करना है। लोगों को महसूस होना चाहिए कि देश आजाद हुआ मतलब उनका भाग्य खुल गया है, ये अब हमें अनुभव कराना है। और आजादी के 75 साल होते होते लोगों में विश्वास पैदा, हाँ ये देश उनका है, ये सारी शक्ति उनकी है, उनके लिए है, ये भाव पैदा हो रहा है। अब आप देख लीजिए स्वच्छ भारत अभियान, क्या ये स्वच्छ भारत अभियान मोदी ने झाड़ू लगा इसलिए हो गया है क्या? जी नहीं, देश के लोगों ने जी जान से जुट गए। हम लोग 2014 में जब आपने मुझे पहली बार विजयी करके भेजा था, तब देश में 40% से भी कम लोगों के पास टॉयलेट था, 40% से भी कम। पिछले 60 महीने में इस देश के 60 करोड़ लोग टॉयलेट के उपयोग करने वाले बन गए, उनके घरों में टॉयलेट आ गए। 60 महीने में 60 करोड़ लोग ये इज्जत घर का लाभ उठाएं, कितना संतोष होता है। हमारी माता बहनों की इज्जत पर इतना बड़ा अच्छा एक इज्जत घर मिल जाए, हमें कितना आनंद होता है। और अब तो वाराणसी में भी मुझे बताया गया कि सभी 90 वार्ड
खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुके हैं और इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन साथियों, मैं जानना चाहता जरूर कहूंगा कि स्वच्छता ये सिर्फ कोई प्रोजेक्ट नहीं है, एक छोटा सा टोकनिज्म दो चार दिन के लिए करने वाला काम नहीं है। ये हमारी आदतें बदलना, हमारी जिम्मेवारियों में सतत जागरूक रहना, निरंतर प्रयास भी करना और लोगों को भी प्रयास में जोड़ना, ये हमें जीवन भर करना होगा, तभी ये बदलाव आएगा। अब देखिए, हम लोगों ने एक बार स्पेशल एक काम किया कि भाई सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करना है। अब सबको ध्यान में आ रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक हम उपयोग करके ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन इसने कितना बड़ा संकट पैदा कर दिया है। पानी के अंदर जो जीने का हक है, प्लास्टिक के कारण उनका जीना खत्म हो रहा है। मैं पिछले दिनों पशु आरोग्य कैंप के लिए उत्तर प्रदेश आया था, मथुरा के अंदर वो कार्यक्रम था, तो वहाँ डॉक्टर पशुओं के ऑपरेशन भी कर रहे थे, कुछ गायों के भी ऑपरेशन हुए, भैंस और भी, और उनके पेट में से अनेक किलो प्लास्टिक निकला, अनेक किलो। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी आंख में एक छोटा सा तिनका भी पड़ जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं। उन अबोल पशुओं के पेट में 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो एक प्लास्टिक भरा पड़ा होगा, वो कैसे जीते होंगे। जब वो प्लास्टिक निकाल रहे थे पेट में से, इतना दर्द होता था, मुझे दर्द होता था। लेकिन अब देशवासियों ने इसको उठा लिया है, सिंगल यूज प्लास्टिक में से देश को मुक्त करना है। हमने इस काम को बहुत आगे बढ़ाना है, हमें कोशिश करनी है। हम उपयोग न करें वो एक बात है, लेकिन कूड़ा कचरा जहां पड़ा है उसकी भी हमने चिंता करें। अभी मैंने एक दिन टीवी में देख रहा था, किसी सज्जन ने गार्बेज रेस्टोरेंट बनाए, गार्बेज रेस्टोरेंट, और नियम क्या बनाए, जो प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा और एक किलो प्लास्टिक जमा कराएगा कूड़े कचरे से ला करके, उसको वो मुफ्त में खाना देते हैं। अब देखिए कैसे कितने कितने तरीकों से देश की सेवा होती है। तो मैं अनेक उदाहरण आपको दे सकता हूं। अब जैसे आयुष्मान भारत, इसका फायदा 50 लाख से अधिक लोग उठा चुके हैं। देश में 10 करोड़ से अधिक लोगों को ई कार्ड जारी किए जा चुके हैं। अकेले वाराणसी में आयुष्मान भारत योजना के तहत 1,65,000 से अधिक लोगों को गोल्डन कार्ड, जिसका उसको हक था, मिल चुका है। वाराणसी के ही 17,000 से ज्यादा, 17,000 से ज्यादा लोग कोई ना कोई छोटी मोटी ऑपरेशन करवा चुके हैं, जो पहले कभी नहीं करवा सकते थे। 17,000 लोगों की जिंदगी में यह मदद, कितना बड़ा संतोष होता है। लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग होंगे, शायद उनको इस स्कीम का पता नहीं होगा, कोई उनको तक पहुंचा नहीं होगा। मानवता के खाते, राजनीति के लिए नहीं, समाज नीति के लिए, मैं आशा करूंगा कि आप सब लोग जाएं, लोगों तक पहुंचे, आयुष्मान भारत का फायदा पहुंचाए। अब आवास की बात करें, जब इंसान को खुद का घर मिलता है ना, उसके जीवन के नए सपने जग जाते हैं जी। जब चार दीवारों के अंदर जिंदगी गुजरना शुरू होता है ना, तो नए सपने पलने लग जाते हैं, नया उमंग आ जाता है, नया करने का हौसला बन जाता है, जीवन के सोच तरीका बदल जाता है। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर बनाकर उसकी चाबी पहुंच चुकी है। वो लोग आज अपनी दिवाली अपने नए पक्के घर में मना रहे हैं, और घर भी सामान्य नहीं, बिजली है, पानी है, गैस है, शौचालय है, सारी सुविधाएं हैं। अब हम लोगों का सपना है, जब आजादी के 75 साल होंगे 2022, हमने एक भी परिवार को बिना घर नहीं रहने देना है। उसका अपना घर हो, पक्का घर हो, और घर में जल भी हो, ऊर्जा की गैस की व्यवस्था हो, उसके अंदर शौचालय भी हो, ऐसा उसको घर मिले। हमने किसानों, छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए पेंशन स्कीम शुरू की है। हमारा काम है लघु व्यापारियों को जोड़े, ये लघु व्यापारी मानधन योजना जो है, व्यापारियों को समझाए कि देखो भाई, इसके साथ जुड़ जाइए, 60 साल की उम्र में जब बुढ़ापा शुरू हो जाएगा
तो बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। हर महीना इसी से 3000 रुपये का पेंशन आना शुरू हो जाएगा, सरकार आधे पैसे लगा देगी, ये समझाना चाहिए। साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश के सामान्य मानवी को कोई बहुत बड़ी अपेक्षाएं नहीं है जी, उसकी छोटी छोटी जरूरतें ये पूरा करने का हम काम करें। देशवासियों की मूलभूत समस्याओं का समाधान अगर हम करते हैं तो बहुत बड़ा परिणाम मिलता है, वो देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक तरफ सामान्य मानवी की आवश्यकता है तो दूसरी तरफ हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। और आपने देखा होगा आज आया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फिर एक बार भारत ने जंप लगाया और भारत जितना बड़ा देश लगातार 3 बार प्रगति करता रहे, ऐसा वर्ल्ड बैंक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा मुझे बताया गया। तो एक तरफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो बीजी तरफ दूसरी तरफ ईज ऑफ लिविंग, इन्हीं सारी चीजों को लेकर के हम कर रहे हैं। और अब तो आपका वाराणसी कैन को हो या मरुआड़ी स्टेशन जैसे स्टेशन, कैसे सैकड़ों स्टेशन नए बन रहे हैं, आज को वो टूरिस्ट प्लेस बन गए आपके यहां। तो वाराणसी के रिवर पोर्ट हमारा माल सामान पानी के मार्ग से पहुंचने लगा है, व्यापार को एक नई ताकत मिली है। तो ऐसे हम काम के लिए आने वाले दिनों में 100 लाख करोड़ रुपये पूरे देश में लगाने का इरादा है। और मैं समझता हूं कि इससे बहुत बड़ा लाभ हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में। कभी 2 मोबाइल फैक्ट्री ऐसी, आज करीब करीब 250 से ज़्यादा फैक्ट्री मोबाइल फोन बनाने लगी, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो हर प्रकार से हम विकास के नए नए मार्ग पर बढ़ रहे हैं। मैं फिर एक बार विकास जी के साथ विकास की ही बातें करता रहूँगा।